हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जैनवासी। देखिए हमारी पैकिंग हो चुकी है, शायद आपको मजाक लग रहा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त पैकिंग हुई है, कम से कम क्योंकि कामाख्या जा रहे हैं, कामाख्या पूरे 1.5 महीनों के लिए जा रहे हैं, मतलब 1 महीना यहाँ से निकलेंगे अभी साहब। धीरे धीरे पैकिंग हो रही है, कामाख्या जाएंगे, कामाख्या से पूरे 5 अगस्त तक वहीं रहेंगे। हमारी अन्नू जी का भी तैयारी हो चुका है, उनका भी 26 तारीख का टिकट निकल रहा है और सबकी चीज़ें कर रहे हैं। 15 तारीख के बाद मेरे गुरु ने कहा है कि 18-19 से मनसा देवी की पूजा चालू होगी। मनसा देवी की पूजा 18 तारीख से चालू होने के बाद मेरा मौन व्रत चालू हो जाएगा, शायद 16-17 तारीख से ही मौन व्रत चालू हो जाएगा 25-26 तारीख तक। इसलिए मैंने अन्नू जी का टिकट भी 26 तारीख के बाद निकला, मतलब वहाँ पर अन्नू जी आके मुझसे बात कर सकते, लेकिन ऑनलाइन या फ़ोन पर हम लोग बात नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें हैं, ये बहुत अच्छा मौका है शक्तियों को पाने का, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे को यही कहूंगी, भाई आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी ही जीत के लिए आपकी बहन इस तरह से लड़ने जा रही है, आपकी ही जीत होगी, सबके मुंह पे कालिक पुतने वाली है। बहुत बड़ा देखिए इतना कुछ हो गया है, थोड़ा भरोसा रखिए ताले पे, सारी चीज़ें हो गई। हाँ, हाई कोर्ट में आपने अपील डाली, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं सुनेंगे, अभी ये राष्ट्रवादी के लोगों को अपात्र करने के लिए 2 मिनट में खड़े हो जाएंगे, लेकिन बाकी लोगों को अपात्र करने के लिए नहीं अभी, क्योंकि उन लोगों को अपात्र कैसे करेंगे, उनको अपात्र करने के लिए खुद भी अपात्र होना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, इतना भगवान ने साथ दिया, आगे बहुत अच्छा साथ देगा, क्योंकि सुल्तान जिन हमारा सारा काम बहुत अच्छे से कर रहा है, आप बेफिक्र रहिए, चिंता मत कीजिए। दूसरी बात मैं कहूँगी कि सारे ग्रुप वालों का काम हो चुका है, कुछ ग्रुप वाले 1-2 जन मुझसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है। अचानक से कल मुझे गुरु पूर्णिमा भी विश नहीं किया और अचानक से अभी मैं कामाख्या निकल रही हूँ, उन सबकी चीज़ें उन तक पहुँचानी है, बाकी लोगों की चीज़ें पहुँच चुकी है, तो बहुत लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं कल भी टेंशन में आ गई थी, क्योंकि जिन लोगों का नाम मैं अब मजबूरन लेने जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कभी यूट्यूब पे मेरा नाम मत लेना, लेकिन अब मैं क्या करूँ, उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है। और उन लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में, इन 2-3 जनों ने बहुत बड़ी तादाद में कम से कम मेरे पास पैसे खर्च किए, जिसके जिस पूजे के हिसाब से उनको बहुत बड़ी तादाद में पैसा मिलने वाला है। अब क्या कारण है मालूम नहीं है। सबसे पहले नाम है दिल्ली की सुधा बंसल, जो एक बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर है, जिनको भी अभी मैंने बहुत कुछ सिखाया है, उन्होंने एक बहुत बड़ी तादाद में रिस्क लेके पैसे डाले हैं, अब उनके पास वो चीज़ें पहुंचने वाली हैं, लेकिन वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रही है, उनका नंबर कंटिन्यू स्विच ऑफ आ रहा है। क्योंकि मैं बता रही हूँ कि अगर मैं एक बार कामाख्या पहुँच गई फिर मेरा मौन व्रत हो जाएगा, फिर मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। देखिए चीटर इंसान कभी बताता नहीं, सुल्तान जिनके हिसाब से एक है, क्या नाम मिलते हैं, अच्छा है कुछ नाम है, अनुराधा जायसवाल, अनुराधा जायसवाल राजस्थान से है, उनसे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उदयपुर में रहती हैं, जो कि हम उनके पास एक दिन के लिए नाथद्वारा रुकने वाले हैं, वो भी नहीं मिल रही हैं। और एक हैं अमित शाह पटेल, ये कोई हो नहीं है लीडर नहीं, ये भी एक्चुअली एक अहमदाबाद के हैं, जिनका अच्छा खासा पॉलिटिक्स का काम किया, ये सारे लोग जुड़े हैं, ये लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि इन लोगों ने इतनी बड़ी रकम खर्च की और अब इनके पास ये चीज़ें आने वाली हैं, या तो ये लोग अपना पैसा भूल रहे हैं कि क्या, अगर पैसे भूल रहे हैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पैसा दिया है और उसके बाद अभी ये लोग पीछे हट रहे हैं, तो ये गलत बात है, क्योंकि इसके बाद यही होगा कि फिर अभी और अगर मुझसे इन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं किया तो ये बात होगी कि इसके बाद इनके पैसे डूब चुके रहेंगे, इसके बाद ये मुझसे बल्कि कोई भी मुझ पर दोष नहीं लगाएंगे, मैं यूट्यूब के जरिए बोल रही हूँ, ऐसी बात है। बाकी अभी भी कहूँगी कि सुल्तान जिन की शक्ति लीजिए, सुल्तान जिन की शक्ति लेने से आपको मैं कामाख्या की तरफ से, और कामाख्या की त्रिपुर सुंदरी का शक्ति लेने से कामाख्या के योनि मुद्रा के पास जो पैसे रहते हैं वो पैसे मिलेंगे आशीर्वाद के तौर पे, कामाख्या तावीज़ मिलेगा इस तरह का जो मैंने पहना है, वो हम खुद बना के देते हैं, इसमें कपड़ा रहता है माँ का, 16 तरह के कहते हैं वशीकरण की जड़ी बूटियाँ रहती है, मोहिनी जड़ रहती है, ऐसी बहुत सारे कामिया सिंदूर सब मिक्स करके एक तावीज़ बनाया जाता है जिससे हम जग वशीकरण करते हैं। उसके बाद इस महाविद्या के साथ मैं लोगों को शक्तियाँ सिखाऊंगी, ऑनलाइन शक्तियाँ आदमी सीख सकता है, और जितने लोग मेरे पास नाम लिखाएंगे, तो जब 10-11 दिन की पूजा चालू रहेगी कामाख्या में, इनकी भी साथ में पूजा चालू रहेगी, जहाँ से जो गुरु के पास से मुझे गुरु मंत्र मिलेगा आप लोगों के लिए, वो गुरु मंत्र आपको दिया जाएगा, सारी चीज़ें दी जाएंगी, जैसे कि मेरे और भी बहुत सारे ग्रुप वालों ने फ़ायदा उठाया है, उनके पास जो सामान पहुंचने वाला है अभी कुछ मैं देखे, उनके पास जो कैश पहुंचेगा तो पहुंचेगा ही, कैश क्या ऑनलाइन, हम लोग तो भाई वाइट में ही करवा रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि आजकल कैश का मामला नहीं रखना है, लेकिन उनका जो पूजे का सामान है वो जैसे ही मैं 15 तारीख को कामाख्या पहुँचूँगी, उसके बाद वहाँ से कामाख्या से वो सारी चीज़ें उन तक मिलने वाली है, तो उनको भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी ये लोग जो हैं इनके लिए मोहिनी जड़,
पायरेट का पत्थर और बहुत सारी चीज़ें, कहते हैं ना ऐसा मुंडमाला, ऐसी बहुत सारी चीज़ें तैयार की गई हैं, यहाँ तक ऐसा शेर का नाखून तक तैयार किया गया, लेकिन ये लोग कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे कि हमको सामान दे सकें। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात है, मैंने माँ मंगल माँ के नाम से, मेरी मांडर जी काड़ू भाई सबके नाम से जो व्रत रखा है ये पूरा होने वाला है। एक बात ज़रूर है, मैं सबको कहूँगी, मैं सबके अच्छे के लिए जा रही हूँ, सबका अच्छा होगा, जो काम करने जा रही हूँ उसके बाद सबका अच्छा होने वाला है। इतनी बड़ी सरकार का काम मैंने बहुत बड़ा कर दिया तो सोचा सबका काम होगा। YouTube के जरिए आरिफ शेख को एक ही बात कहूँगी कि दिल से भाइयों माना था, अगर तुमने मुझे दिल से दी बोला है, इधर से दी बोला है, यहाँ से नहीं, यहाँ से अगर दी बोला है मुझे, तो बस भाई यही बोलूँगी भाइयों कि अपने काम से काम रहना, अपने काम धंधे में ध्यान देना, हम अपने काम धंधे में ध्यान देंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे आने तक मुझे कभी कोई शिकायत ना मिले, ये वादा ज़रूर है कि एंड टाइम कभी भी बुरे वक्त में विद्या देवी तेरे काम आएगी। देख, अगर मैं तुझे दिल से भाइयों नहीं मानती ना, तो जिस दिन ये मारी मारा हुआ था ना, मुझे पुलिस स्टेशन से 500 कॉल आए थे, मैं जाके आपके नाम पे कंप्लेंट कर सकती थी, दो लाख रुपया खर्चा करवा के तुम्हारी बैंड बजवा सकती थी। मैंने सिर्फ यूट्यूब के जरिए मैसेज पढ़ा, मुझे पता है यूट्यूब के जरिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपका नाम कहीं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने आपको माफ़ कर दिया, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपके और हमारे बीच में दुश्मनी लगाने वाले बहुत है, वो उनका जाने तो मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक बात है, अभी सब अच्छा होने वाला है, तो आगे देखो, आगे मैं आपसे कभी बात बात करूँ ना करूँ, लेकिन इतना व्यवहार तो जरूर करूँगी कि भगवान ना करे कभी बहुत बड़ी मुसीबत आई तो कामाख्या सारी बात, कभी भी इस विद्या देवी से कभी भी आप हेल्प मांगोगे तो आपको चुपचाप हेल्प कर दी जाएगी, ये बात तो मेरी पक्की है, ये मेरा वादा है। बस इतना ज़रूर है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई मुझे शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं देगा, किसी के चढ़ाने पे बिल्कुल नहीं आएगा। फिर से देखिए, रिश्ता बनाने से बनता है, समझ रहे हो, ज़रूरी नहीं एक टाइम हमारा नशे का ही रिश्ता था, भाई बहन का रिश्ता तो हमेशा का था ना। तो मैं चाहती हूँ कि इस रिश्ते को आप कायम रखना, आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना, मैं अपनी जीऊँगी, मैं जीने नहीं आप लोगों के लिए तपस्या करने जा रही हूँ, तो बहुत बड़ी बात होगी। आपको याद होगा आज से 2018 में भी मैं कामाख्या गई थी, कामाख्या से जाने के बाद ही हमारी और आपकी अच्छी खासी बातचीत हुई थी, उसके बाद बिगाड़ने वालों ने बिगाड़ा, कोई बात नहीं है। लेकिन अब आप भी अच्छे से रहो, मैं भी अच्छे से रहो, आपका परिवार मेरा परिवार, बस मैं यही चाहती हूँ, कहीं पे भी कोई नाम नहीं आना चाहिए। बाकी लोगों के लिए बाकी लोग मतलब जैसे कुमातो माता, जिन्होंने ये हिस्ट्री शुरू की थी पैसों के लालच में, इतना वादा तो जरूर है मेरे आने तक इनको शमशान भूमि तो मैं पहुँचा के रहूँगी, क्योंकि इनको इनकी पाप की सज़ा में दे के रहूँगी, जिस पाप के कारण इस सारे लोग इस तरह के मतलब निशाने पे आए, मैं निशाने पे आई, मेरा प्रदु निशाने पे आया, आरिफ निशाने पे आया, बहुत सारे लोग निशाने पे आए, इस मतलब हम सब इस खेल के मोहरे बन गए, और जिस जो इस खेल का मास्टरमाइंड है वो साफ साफ कैसे बच सकता है, उसकी गांड मारनी तो हम सबकी बनती है ना। तो मैं कामाख्या से गांड मारती हूँ, तुम लोग यहाँ से गांड मारना, बात खत्म, देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है, जय माता दी।